Good morning everyone, welcome back to our channel EduSciTeach Classes. In our last session we covered the first five parts: Cadmus, Acton, Simmel, Tiresias, Narcissus and Echo. Okay, five parts of book 3 from Ovid's Metamorphoses. There are still three parts left and today we will be completing the summary of book 3, and as you know that we have been going through each part in detail. And also, I hope everything has been clear so far to you. So, in today's session, we will cover these three parts of Book 3 and complete Book 3 of Ovid Metamorphoses, which is prescribed in TU syllabus of the English Honours. After that, we will go for next book, in which we have also 5 to 6 parts in detail. Okay, so without delay, let's get started our today's session. Okay, so we have this Pentheus and the Bacchus. Okay, yahan par last mein humne padha tha Narcissus. Do I need to revise or just quick summarize whatever we have done? Okay, whatever we did in last class. Okay, yes, what happened to Narcissus? Yaad hai kisi ko? Okay, so let me give a quick summary. कैडमिस में हमने रीड किया था, हमने पढ़ा था कि कैडमिस के फादर एगिनर के दो चिल्ड्रन हैं. फर्स्ट इज यूरोपा एंड सेकंड वन इज कैडमिस. यूरोपा को जुपिटर अपने साथ ले जाता है. एगिनर कैडमिस को वार्न करता है कि जाओ अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ, अगर नहीं लाते तो तुम एक्साइल पर गायब हो जाओ. ओके, यू विल हैव टू फेस एक्साइल. कैडमिस को सर्च करने पर भी यूरोपा नहीं मिलती तो वहाँ पर उसे एक्साइल पर जाना होता है. वहाँ पर गॉडेस पालास वो गाइड करती है कि ठीक है तुम जहाँ पर जाओगे वहाँ पर एक जगह रुकना होगा तुम्हें, तो रास्ते में एक काउ, यहाँ पे भी कोई गॉड होता है जो उनको गाइड करते हैं कि काउ को तुम्हें फॉलो करते हुए जाना है. जहाँ पर वो ग्रेज करेगी रुकेगी वहाँ पर सोच रहे हैं तुम्हारा न्यू होमलैंड होगा वो. अब यहाँ पर ड्रैगन की टीथ से ड्रैगन को स्ले करता है. उसकी जो टीथ होता है उनको राउंड में एज अ सीड वो सो कर देता है. उसको करने के बाद में वहाँ से एक आर्मी एमर्ज होती है और वे आपस में ही लड़के मर जाते हैं. लास्ट में बचते हैं सिर्फ 5 पीपल. वे 5 और कैडमिस मिलकर एक न्यू सिटी को बिल्ड करता है. नाम होता है उसका थेब्स. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट, एक्टन में हमने रीड किया था और कैरेक्टर्स में भी डिस्कस किया. आपको याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पे डायना और एक्टन के बारे में बताते हैं. यहाँ पे जो एक्टन है वो एक हंटर है और वो खुद हंट हो जाता है अपने डॉग्स से. ओके, डायना किसमें ट्रांसफॉर्म कर देती है एक्टन को, स्टैग में. नेक्स्ट इज सिमिले. सिमिले और जुपिटर स्टोरी इसमें कि वे दोनों एक दूसरे के साथ इंडल्ज होते हैं. जुपिटर की वाइफ जूनो जो बहुत ज़्यादा जेलस होती है सिमिले से, वो उसको डिसीव करके परसुएट करा देती है सिमिल से कि तुम जुपिटर से प्रूफ के लिए कहो कि अपनी डिविनिटी का प्रूफ दो. ओके, वाइल दे वर इंटरकोर्सिंग, ऐसा करने पर सिमिले उस डिविनिटी और बॉडली पावर को नहीं बियर कर पाते हैं, बर्न टू एशेस. टाइरेसियस वाले पार्टनर ने क्या रीड किया था कि जो जूनो है और जुपिटर वो किसी चीज़ को लेकर डिबेट कर रहे होते हैं. ओके, लेकिन तो अपने डिबेट में टाइरेसियस से पूछना, अच्छा तुम बताओ. टाइरेसियस का आंसर जुपिटर के फेवर में होता है. इस पर जूनो को गुस्सा आ जाता है और वो उसको ब्लाइंड कर देती है. जुपिटर इसके कंपनसेशन में टेरिसिस को विजन प्रोवाइड कर देता है फ्यूचर का. ओके, फ्यूचर विजन मिल जाता है, वो प्रोफेसी करना शुरू कर देता है. उनकी जो प्रोफेसी होती है नार्सिसिस के बारे में ये होती है कि वो अच्छी खासी लाइफ होगी, लेकिन जब वो खुद के रिफ्लेक्शन पे खुद को देखेगा या खुद के बारे में पता कर लेगा तब उसकी डेथ हो जाएगी. ये प्रोफेसी सच हो जाती है. ओके, आपको स्टोरी पता होगी अगर कल का सेशन देखा होगा. नहीं देखा होगा तो प्लीज गो एंड वॉच. सो लेट्स कम टू, अब यहाँ पर जो नार्सिसिस की जो प्रोफेसी थी वो सच हो गई. उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, टाइरेसियस फेमस हो गया पूरी ग्रीस में कि इनकी तो प्रोफेसी सच हो जाती है. एज अ प्रोफेट सब उसको वहाँ पर वर्शिप करने लगे. इस पर जो पेंथियस था वो स्कॉफ करता है कि ये कुछ ड्रामा नहीं है जो गॉड्स है, एंड डिसरिगार्ड करता है टाइरेसियस के उसको भी कि ये सब क्या ही हो रहा है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बकवास है. तो टाइरेसियस क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारे बारे में भी प्रोफेसी कर देता हूँ कि तुम जो बैकस है गॉड बैकस को तुम वर्शिप करने से मना कर दोगे, रिफ्यूज़ कर दोगे और उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, तुम्हारी बॉडी भी टियर अपार्ट होगी. ओके, और उसका जो रिजल्ट होगा तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी जैसे एक्शन की हुई थी. ओके, अब बैकस कौन है, यहाँ पे बैकस की बात आई तो बैकस है सन ऑफ जुपिटर एंड सिमिले. जब जुपिटर सिमिले की डेथ हो जाती है तो जिनका अनबॉर्न चाइल्ड होता है, अनबॉर्न चाइल्ड को जुपिटर अपनी थाइस में स्टिच कर लेता है. फिर बर्थ होने पर उसका नाम क्या होता है, बैकस. इस पर ये जो प्रोफेसी टाइरेसियस करता है इसको सुनने के बाद में पेंथियस उसको बाहर करा देता है.
क्योंकि उसने बताया ऐसे कि तुम्हारा भी एंड अच्छा नहीं होगा, यू विल मीट अ ग्रूसम एंड। ओके, अब क्या होता है जब पैकेज आता है तो सारे के सारे जो क्राउड है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसको वर्शिप करने लग जाते हैं। पैंथेस इस चीज़ को लेकर एक्यूज करता है सबको ही कि कैसे ये पागल हो रहे हैं। ही आस्क, वो सबसे कहता है कि कैसे जो तुम इतने ज़्यादा ब्रेव पीपल हो, जो ड्रैगन के दीप से एमर्ज हुए हो, इतनी वॉर्स तुमने करी है, तुम ऐसे किसी पैकेज के सामने झुक रहे हो, पैकेज को वर्शिप करना शुरू कर रहे हो जिसने खुद ने अपनी एक सिटी फाउंड की है, थीप्स को बनाया। ठीक है, वो कैडमस कहता है कि नाउ बी सो ओवरकम बाय मैडनेस, कि तुम सबके सब इतने ज़्यादा मैड हो चुके हो। पैंथेस बिलीव दैट सिंस दीस पीपल वर बॉर्न फ्रॉम ड्रैगन टीथ, हाँ तो वो यही कहता है कि ठीक है तुम सबके सब ड्रैगन के टीथ से पैदा हुआ, तब भी ये सब हालत तुम्हारे कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, और तुम्हारे हिसाब से जो बैकेस है, बैकेस कैसा है वो उसको कहता है एग्जामिनेट बॉयज, एग्जामिनेट बॉय, वो कहता है कि तुम खुद इतने ब्रेव हो, तुम्हें तो इस जो एग्जामिनेट बॉयज को तो तुम्हें बैनिश कर देना चाहिए, ये तो इतना ज़्यादा ब्रेव भी नहीं लगता, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा। ओके, और पैंथेस को ये सब कुछ समझ नहीं आता कि बस मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को बर्दाश्त, की जो थीप्स है, जो थीप्स के लोग हैं वो किसको वो कर रहे हैं, किसको वर्शिप कर रहे हैं, पैकेज को। इस चीज़ को लेके वो इंस्ट्रक्ट कर देता है कि जो उसके खुद के लोग हैं एनस्लेव्ड मैन, की जाओ पैकेज को लेकर आओ चेंस में पकड़ के यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना, क्योंकि उसने उसको फैमिली बॉय बोला है तो मीन्स वो खुद कुछ भी वो नहीं करेगा, प्रोटेस्ट वगैरह लेकर आ जाओ बस। कैडमस ट्राइज भी करता है कि ठीक है रीजन की ऐसे क्या, पर पैंथेस सब इग्नोर कर देता है। पैंथेस के जो लोग हैं वापस आ जाते हैं, उसे कोई नहीं मिलता, पैकेज तो मिलता नहीं, बस एक ही मिलता है और वो कौन होता है, असीड्स। ओके, वे एम्प्टी हैंड आ जाते हैं, पर वहाँ पे एक फॉलोवर है उसका, असीड्स उसको लेकर आ जाता है। अब पैंथेस सोचता है कि ठीक है मैं इसको मार देता हूँ, पर उससे पहले उसके दिमाग में आता है कि ठीक है लेट इंटरोगेट्स फर्स्ट, कि हम कुछ बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं। तो ही फर्स्ट क्वेश्चन, सो फर्स्ट ही क्वेश्चन इज अबाउट वेयर ही कैन ही केम फ्रॉम, कि तुम कहाँ से आए हो, व्हाई ही प्रैक्टिसेस, कि तुम पैकेज के रिलीजन को क्यों प्रैक्टिस करते हो, क्यों तुम उसकी वर्शिप करते हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, आपको समझ आ गया होगा कि पैंथेस है वो बैकर्स को बिल्कुल वर्शिप नहीं करना चाहता, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हम ड्रैगन के टीथ से हमारा बर्थ हुआ है, या फिर हम खुद इतने हमने खुद की सिटी वो की है तो गॉड क्या ही होंगे, तो वो गॉड गॉड सारी चीज़ें प्रोफेसी में बिलीव नहीं करता। इस चीज़ के लिए टाइम्स भी उसको वार्निंग देता है कि तुम्हारा जो एंड होगा वो भी ट्रेजिक ही होगा, ट्रेजिक फेट के बारे में बताता है। नेक्स्ट फिर वो सीट्स को लेकर आता है, बस अपनी स्टोरी स्ट्रक्चर सुना रहा है उसको, कैसे बताता है, सीट्स कहता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसके लिए मटेरियल पोजीशन छोड़ के गए, उनको हम्बल फैमिली से है, लेकिन हाँ जब उसके मदर और फादर की डेथ हुई तो उन्होंने उसके पास एक चीज़ छोड़ी थी, वो क्या थी, उसकी स्किल्स। अब उसकी स्किल्स कौन सी थी, फिशिंग की। ओके, फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो सेलिंग भी सीख गया, किस कैसे सेल करनी है शिप, इससे उसको फायदा हुआ कि वो अपनी फिशिंग वाली स्किल्स को अलग अलग रीजन में जाके शो कर सकता था। वन डे व्हाइल एट सी, अब जब एक बार वो सी पर था अपनी सेलिंग क्रू के साथ में, तो वे वहाँ पर एक कैप्चर करते हैं एक ब्यूटीफुल बॉय, एफेमिनेट बॉय वर्ड यूज हुआ पीछे भी, बिकॉज़ हु अपीयर्स टू बी इंटॉक्सिकेटेड। अब जब वो पास में आता है तो असीड्स को फील होता है कि ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बॉय, उसको फील होता है कि काइंड ऑफ डिवाइनली पावर, तो वो फील करता है। इसके बाद वो की प्रेस फॉर फॉरगिवनेस, जैसे उसको फील होता है कि कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि गॉडली पर्सन है, तो वो फॉरगिवनेस के लिए प्रे करता है और अपने क्रू को भी कहता है कि अपने एक्शंस के लिए तुम भी भुगतो हो। यहाँ पे एसीड्स मैन राइज अप अगेंस्ट देयर कैप्टन, जो उसके लोग होते हैं वो कैप्टन के अगेंस्ट हो जाता है और ट्राइंग टू नॉक हिम ओवरबोर्ड। इस बार ही तभी वहाँ पे बैकेस जो सो रहा होता है वॉक्स अप फ्रॉम हिज ड्राउजी स्टेट एंड आस्क व्हाट इज हैपनिंग, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड वेयर द सेलर्स आर प्लॉटिंग टू टेक हिम, कहते हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ के लिए प्लॉट कर रहे हो। वन ऑफ द सेलर्स कहते हैं कि अच्छा छोड़ो तुम्हें, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, देन ही वुड लाइक टू बी टेकन, तो बैकेस बताता है कि मेरा एक होमलैंड है नाक्सोस, तो मुझे वहाँ पर छोड़ो। ओके, इफ दे टेक हिम देयर ही विल बी सेफ, वो कहता है कि अगर तुम नाक्सोस लेके जाओगे तुम सेफ रहोगे पूरी जर्नी में। असीड्स स्टार्ट टू सेल, इस चीज को सुनकर असीड्स कहता है कि ठीक है, और वो जैसे ही स्टार्ट करता है सेल करना उसके घर की तरफ तो कर देता है, लेकिन बट ऑफ वन ऑफ हिज मैन, उसके खुद के में से एक जो आदमी होता है विस्पर करता है मेलिशियसली फॉर हिम टू स्टीयर द अदर वे एंड टेक्स ओवर द व्हील, तो उस व्हील पे आ जाता है कि नहीं कहीं और ले जाना है। बैकेस तभी रियलाइज करता है दैट सेलर्स आर डिसीविंग हिम, कि जो सेलर्स हैं वो कर रहे हैं उसको डिसीव, बेटरिंग हिम, और वो प्रिटेंड कर देता है वीप, रोना शुरू कर देता है एंड आस्क व्हाई ग्रोन मैन एंजॉय प्लेइंग अ ट्रिक ऑन अ बॉय, कि कैसे जो पूरे ग्रोन मैन है वो एंजॉय कर रहे हैं किसी छोटे बच्चे को ट्रिक करने में। एसिड्स भी इस बात पर ट्राई करने लग जाता है, सडनली क्या होता है वहाँ पर शिप जो होती है वो स्टॉक होती है, जो कन्फ्यूज सेलर्स हैं वो ट्राई टू रो कि ठीक करना है, वे सबके सब ट्राई ही कर रहे होते हैं, तभी पैकेस क्राउन इन क्रैप लीव्स, तभी उसका एक क्राउन हो जाता है और चारों तरफ वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, लायन, टाइगर, लिंक्स, ये सब। इस चीज़ से सब जो सेलर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, वे डर जाते हैं, और डरने के बाद में कहाँ पर चले जाते हैं, द सेलर्स जंप अप इन फियर बट देयर बॉडीज स्टार्ट टू टर्न ब्लैक, उनकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है ब्लैक कलर में, स्केली मीन्स थोड़ी देर बाद में पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डॉल्फिन्स में।
जबकि असीड्स जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है सारा टाइम, वो ही सेल्स वो सेल करता है पैकेज को, नाक्सोस की तरफ लेके जाता है, वहाँ पहुँचने पर वो स्टार्ट कर देता है वर्शिपिंग, ठीक है, ही स्टार्ट वर्शिपिंग हिम एज गॉड। सो ये बात यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो अपनी कहानी बता ही रहा होता है कि मैंने शुरू कर दिया फिर गॉड की तरह उसको वर्शिप करना, तभी पैंथस उसको इंटरप्ट कर देता है, अच्छा ठीक है बंद करो ये कहानी, अब नहीं सुननी मुझे, लास्ट बार पैंथस ऑर्डर्स हिज गार्ड्स। अब वो पैंथस उसकी स्टोरी को मना कर देता है कि बहुत काफ़ी नॉनसेंस तो मुझे सुना चुके हो अभी तक, इसको यहीं पर बंद करो। Okay, he tells his guards, अपने guards को कहता है कि ऐसे करो इसको लेके जाओ डंजन में और टॉर्चर करने के लिए। However, before acids, torture can begin. जैसे टॉर्चर शुरू होता है जो डोर्स होते हैं डंजन को मैच के लिए ओपन हो जाता है और एसिड्स को रिलीज कर देता है वहाँ से। जब एसिड्स रिलीज हो जाता है वहाँ से तो वो कहाँ जाता है, माउंटेन पर। माउंटेन पे क्या होता है, बैकिस राइट्स हो रहा होता है, राइट्स कैसे, सेक्रीफिशियल राइट्स उस टाइम पर राइट्स। ओके, वहाँ पे सेक्रीफिशियल राइट्स हो रहा होता है, पैंथस बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा होता है कि वहाँ से इतनी ज्यादा आवाज आ रही है। अब होती सारी वहाँ से आवाज सुन रहा होता है वर्शिप की, एंड वो बहुत क्यूरियस होता है, तो सोचता है कि ठीक है आई स्पाई, ठीक है गॉसअप टू स्पाई एंग्रीली, वो गुस्से में जा रहा होता है स्पिरिचुअल को स्पाई करने। वो धीरे धीरे जा ही रहा होता है, उसकी जो मदर होती है अगेव ही सीज हिम, और उसको ऐसा होता है ना कहीं की परछाई दिखती है, वो स्पाई कर रहा था ना सामने उसको नहीं आया, तो उस परछाई को देख के अगेव क्या उसको देखती है, एंड व्हेन ही शी रिप्स ऑफ, व्हेन शी सॉ दैट शैडो और व्हाटएवर, तो वो शी रिप्स ऑफ हिज हेड, उसके हेड को ही अलग कर देती है, उसकी लिम्स को अलग कर देती है, और जो उसकी सिस्टर होती है, मदर का नेम क्या है अगेव, तो अगेव एंड हर सिस्टर स्पॉट हिम इन अ फ्रेंजी, दे अटैक एंड डिस्पाइट पैंथस प्लीज फॉर मर्सी, पैंथस वहाँ पे प्ली करता रह जाता है मर्सी के लिए, बट दे टियर हिम अपार्ट, उसके सर को अलग, रिप ऑफ हिज हेड एंड आर्म्स एंड लिम्स सब कुछ, एंड द वुमेन, ओके जो वुमेन है कौन है, मदर उनकी अगेव, वो उसके हेड को होल्ड कर रही होती है अपने ऊपर एज अ विक्ट्री, एंड द वुमेन कंटिन्यूज टू वर्शिप बैकेस, वे सबके सब इतने ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनकी वर्शिप करने में, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने खुद के ही बेटे को टियर कर चुके हैं, उसके रिप ऑफ कर दिया उसका हेड एंड द लिम्स, और उसको एज अ विक्ट्री शो कर रही होती है उसको हेड को हाथ में लेकर। ओके, यहाँ पर ट्रेजिक फेट, पैंथस के ट्रेजिक फेट को शो किया है कि उसके पहले से ये फेटेड था कि वो बैकेस को उसको वर्शिप को मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसका एंड क्या होगा, सेक्रीफिशियल रिचुअल में, और सेक्रीफाइस कौन बना, पैंथस, पैंथस को ही बैकेस के रिचुअल में सेक्रीफाइस होना पड़ा। ओके, तो ही बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वर्शिप, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्शिप, उसके जो रिचुअल था उसका हिस्सा बन गया। ओके, और यहाँ पर टेरिस की जो प्रोफेसी थी वो दोबारा से पूरी हो गई। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, सो यहाँ पर पैंथस का ट्रेजिक एंड हो जाता है, ट्रेजिक एंड, एंड वी हैव डन हियर ऑल द पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर कंप्लीटेड ऑफ बुक 3 ऑफ इट। ओके, होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर नेक्स्ट बुक, in which book also we have also 6 to 7 parts, we will cover all these parts in detail. Till then please revise all your notes and watch our all sessions. So that's all for today, thank you.